हेलो एंड वेलकम टू डीटीज वेंचर। आज हम बात करेंगे वीकली व्यू के बारे में, जो 26 से लेके 30 जुलाई के बीच में मार्केट किस तरीके से प्रिटेंड करेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी ब्रीफिंग लास्ट वीक के बारे में। लास्ट वीक में जब निफ्टी चल रही थी 15,650 के आसपास में, जब एक पैनिक सेलिंग हमें देखने मिला था 300 पॉइंट्स का, वो भी हमने उसके फॉलो बैक जो वीक के अंदर जब भी हमने वीडियो पोस्ट किया था, आई थिंक सो 17 और 18, हमने कहा भी था कि वहाँ पर निफ्टी 15,930 के आसपास में एक 300 पॉइंट का करेक्शन देगा, जो ऑलमोस्ट हमने देख चुके 300 पॉइंट का करेक्शन 15,630 और 50 के आसपास में। और वहाँ पर भी हमने एक अप्रोच दिया हुआ था कि यहाँ से निफ्टी चल के वापस 16,000 की तरफ आएगा, एंड अगेन इट इज बिहेविंग इन द सेम वे which we are predicting from last 3 weeks. So what's next? अब आने वाले वीक के अंदर निफ्टी का क्या व्यू रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। So सबसे पहले द क्लोजिंग ऑफ निफ्टी इज अराउंड 15,856 स्पॉट। आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्पॉट। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है, सपोर्ट अगेन मेरा सेम रहेगा, यहाँ पर जो वर्स्ट बॉटम जो सपोर्ट मैं कहूँगा, दैट विल बी अराउंड 15,640 और 660 के आसपास में। जब तक 15,600 के नीचे का हमें क्लोजिंग देखने नहीं मिलता, तब तक आई डोंट थिंक सो दैट वी आर इनटू एनी काइंड ऑफ पैनिक जोन। और यहाँ से अगर अपवर्ड में अगर देखने जाओ तो, और नियर टर्म सपोर्ट अगर मैं आपको बताने जाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो जब भी मंथली एक्सपायरी होती है तो एक बहुत वॉलिटिलिटी हमें देखने मिलती है। द रीज़न इज क्योंकि पूरे मंथ के जो भी शॉर्ट स्क्वीज होते हैं या जो भी लॉन्ग बिल्डअप होता है, वो स्क्वायर ऑफ मोड पे आ जाता है। और अगर हम देखने जाएंगे तो पिछले पूरे महीने में या तो फिर पिछले 2 महीने में, अगर हम अगर निफ्टी का एवरेज ग्राफ अगर देखने जाएंगे, तो इट इज ऑलमोस्ट सस्टेनिंग बिटवीन 15,500 एंड 15,900। सो 15,700 विल बी द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक, नोट डाउन। अगर आपको चाहिए तो एक पेन और पेपर लेकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। निफ्टी स्पॉट 15,700 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा, और डाउन साइड फॉलो अप सेकेंड सपोर्ट विल बी अराउंड 15,620 to 640। नैरो रेंज है लेकिन सपोर्ट अच्छा है उस लेवल के ऊपर। एंड द व्यू विच आई हैव गिवन इन निफ्टी फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज विल बी द सेम। आई वुड लाइक टू बाई निफ्टी अराउंड 15,650 and 700 फॉर द टारगेट ऑफ 16,100 and 200। सो ये मेरा निफ्टी के लिए व्यू होगा। सेकंड मेरा बैंक निफ्टी के अंदर है। बैंक निफ्टी के अंदर मेरा व्यू काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन काफ़ी कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है बैंक निफ्टी के अंदर रिगार्डिंग, क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी काफ़ी वीक चल रहा है, क्योंकि SBFC बैंक ने भी जो वीक रिजल्ट पोस्ट किया हुआ था, और हमें ICICI के रिजल्ट का इंतजार था। अभी आने वाले दिनों में कोटक भी अपना रिजल्ट पब्लिश करेगा। तो 35,034 के आसपास में बैंक निफ्टी का क्लोज है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो ये परफेक्ट लेवल के आसपास में क्लोज आया हुआ है। एनी डिसाइसिवली क्लोज बिलो और अबाव 100 पॉइंट इज गोइंग टू शो द ट्रेंड इंडिकेटर फॉर बैंक निफ्टी इन द नेक्स्ट वीक। कहने का मतलब कि अगर ये जो 35,000 का जो कोर लेवल है, यहाँ पर डाउन साइड सपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, 34,800 का डाउन साइड सपोर्ट है। अगर 34,800 के आसपास दिखता है तो आप लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकता है और क्लोजिंग बेसिस 34,600 के आसपास। और टारगेट जो मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर, हो सकता है मेरा ये टारगेट ये आने वाले वीक के अंदर ना आए, या तो फिर एटलीस्ट मिड अगस्त के आसपास मेरा ये टारगेट मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, दैट इज अराउंड 37,000। यस, 37,000 के आसपास में मैं बैंक निफ्टी के अंदर का टारगेट दे रहा हूँ। द रीजन, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ा शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर है और कहीं ना कहीं मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी, जैसे कि 34,800, 35,000, 35,200। तो जिस दिन 35,200 के ऊपर का अगर हमें क्लोज अगर हमें दिखाई देता है, देन डेफिनेटली यू शुड पिक द बैंक्स लाइक SBFC बैंक, एंड स्पेशली माय स्पेशल पिक फॉर द बैंक निफ्टी स्टॉक विल बी कोटक बैंक। कोटक बैंक और बैंक निफ्टी का अगर मैं देखने जाऊँ, उसका डेटा स्टडी करने जाऊँ, लॉट्स ऑफ शॉर्ट बिल्डअप्स इन दिस टू काउंटर। स्पेशली अगर कोटक बैंक में बोलने जाऊँ, मल्टीपल कोशिशें की कोटक बैंक ने 1740 के ऊपर क्लोज देने की, लेकिन दे नहीं पाया मैं ना कहीं, बिकॉज ऑफ द डाउन करंट रैली ऑफ बैंक निफ्टी।
लेकिन अच्छा स्टॉक है यहाँ पर, इसको आप एक्युमुलेट कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, अगर बैंक निफ्टी ने 34,800 के नीचे का क्लोज नहीं दिया आने वाले दिनों में, इट्स जस्ट 200 points अवे फ्रॉम द क्लोजिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी राइट नाउ, उसके नीचे का अगर 34,800 के नीचे का अगर क्लोज नहीं आता है, देन वी विल सी अ मैसिव अपमूव। एंड अगर 35,200 और 300 के ऊपर का अगर हमें क्लोजिंग मिलता है, तो विद इन शॉर्ट टाइम फ्रेम आई वुड से कि मतलब हो सकता है कि हमें इस तरीके की मूवमेंट देखने मिले बैंक निफ्टी के अंदर कि आज 800 पॉइंट प्लस, कल 600 पॉइंट प्लस, और इस तरीके से 37,000 विल बी इजिली रीचेबल। सो आई वुड सजेस्ट डोंट गो शॉर्ट इन बैंक निफ्टी राइट नाउ। हालांकि हर जगह बातें यही चल रही हैं कि मतलब यू कैन गो इन शॉर्ट इन बैंक निफ्टी, यू कैन गो लॉन्ग इन निफ्टी एंड ऑल। सो दिस इज द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब मैं बात करूंगा और एक स्पेशल इंडेक्स के बारे में, ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स ने क्लोज दिया हुआ है 10,150। नोट डाउन द लेवल्स, उसका बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है 9,900 के आसपास। 10,150 का क्लोजिंग है यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। 9,900 के आसपास में बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी इंडेक्स के, अरे और निफ्टी ऑटो के अंदर। यहाँ पर अगर आपको नजर आता है तो दो स्टॉक अपने रडार पे जरूर रखती है जहाँ पर एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने मिलेगा आने वाले महीने में, एंड दैट इज मारुति एंड हीरो ऑटोकॉम। मारुति अभी यहाँ पर चल रहा है 7,283 का क्लोज आया था। मारुति का मैंने व्यू भी दिया हुआ था लेकिन मेरी टेरिटरी में आया नहीं, इसलिए मैंने उसको बाय कॉल नहीं दिया। अदरवाइज आई एम वेटिंग फॉर मारुति टू एंटर इनटू माय टेरिटरी अराउंड 7,050 एंड 7,100। जिस दिन वहां पर आया आई विल शूट एन इन्वेस्टमेंट कॉल ऑल्सो एंड अ ट्रेडिंग कॉल इन फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर मारुति के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मैं टारगेट छोटा टारगेट प्लेस नहीं करूंगा मारुति के अंदर, ऑन क्लोजिंग बेसिस यू कैन कीप द स्टॉप लॉस अराउंड इफ इट कम्स टू द लेवल ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से इफ इट कम्स टू द लेवल ऑफ 7,050 एंड 7,100, वन कैन क्रिएट बाय पोजिशन अ लॉन्ग पोजिशन इन मारुति विद अ क्लोजिंग स्टॉप लॉस ऑफ 6,800 एंड द टारगेट टू बी प्लेस अराउंड 8,000 प्लस इन कमिंग सीरीज। और एक स्टॉक जिसका रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट इनलाइन है, ज्यादा कुछ अप एंड डाउन नहीं है, लेकिन एज आई सेड मार्केट के दिग्गज स्टॉक का रिजल्ट जो आया हुआ था रिलायंस। स्पीच अच्छी है, प्रोजेक्शंस अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अगर देखने जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो एस्टिमेट जो था वो एस्टिमेट को मैच कर रहा है, या तो फिर हल्का सा शायद वहां पर टैली नहीं हो पा रहा। लेकिन रिलायंस के अंदर 2100 के आसपास में अगर रिलायंस चल रहा है यहाँ पर, और रिलायंस के अंदर 2050 या 60 के आसपास में अगर आपको कोई सेलिंग दिखती है ड्यू टू रिजल्ट फैक्टर एंड ऑल, ट्रस्ट मी यहाँ पर आपको ये काउंटर के अंदर काफी सारा फियर देखने मिलेगा मीडिया में और आसपास के लोगों में या ब्रोकर्स में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ 2050 एंड 60, आई वुड सजेस्ट टू गो लॉन्ग इन रिलायंस विद द प्राइस टारगेट ऑफ 2300 प्रोबेबली इन नेक्स्ट ऑगस्ट सीरीज। सो कीप दिस इन माइंड, दो मेरे स्टॉक्स खास करके जो फेवरेट है वो है रिलायंस एंड मारुति। अगर ये हमारे फियर टेरिटरी में आता है, मैं हमेशा फियर टेरिटरी का वर्ड हमेशा इसलिए यूज करता हूँ एंड ऑलवेज मैं अपने क्लाइंट्स एंड सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ, देन ऑलवेज यू शुड योर बिहेवियर इन स्टॉक मार्केट फॉर बाइंग, इट शुड बी ऑलवेज बाय ऑन फियर एंड सेल ऑन ग्रीन। तो द फियर इंडेक्स विच शोज यहाँ पर रिलायंस के बारे में और मारुति के बारे में, फॉर रिलायंस इट इज अराउंड 2050 एंड 2060, एंड मारुति इट इज अराउंड 7,050 एंड 7,100। वन मोर स्टॉक मेरे रडार पे, एंड आई एम गोइंग टू टेक जस्ट वेरी शॉर्ट ब्रीफिंग ऑन दैट स्टॉक। वन मोर स्टॉक मेरे रडार पे आया हुआ है और वो है हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट के ऊपर सिंगल डे के अंदर 2510 का लो बना के नीचे में 2380 की टेरिटरी में भी आया हुआ है। वहाँ पर काफी सारे लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं, काफी सारी लॉन्ग पोजिशन स्क्वीज हुई है वहां पर, इनफैक्ट आई वुड से काफी सारी शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई है बिलो द लेवल्स ऑफ 2400। राइट नाउ द हिंदुस्तान लीवर का क्लोजिंग है 2358 का क्लोजिंग है। आई वुड से सपोर्ट ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 पॉइंट का सपोर्ट दूर है 2340 के आसपास। तो हिंदुस्तान लीवर के लिए अगर 2340 का सपोर्ट है, 2358 का क्लोजिंग है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओपनिंग में भी आप ले सकते हो, ये स्टॉक को एक्युमुलेट करके रखो फॉर द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ 10%
प्रोबेबली नेक्स्ट एक्सपायरी सीरीज 8-10% का रिटर्न आपका कहीं नहीं गया. अगेन आई वुड से दैट आई वुड शूट इन्वेस्टमेंट कॉल एंड फ्यूचर कॉल इन दिस रिलायंस सेगमेंट सॉरी इन हिंदुस्तान लीवर सेगमेंट इन कमिंग डेज मे बी प्रोबेबली टुमारो इट्सेल्फ टुमारो इज मंडे. सो हिंदुस्तान लीवर रिलायंस एंड मारुति पैनिक जोन में अगर है हिंदुस्तान लीवर तो ऑलरेडी पैनिक जोन में क्रिएट ए बाय पोजिशन फॉर द रिटर्न ऑफ 8-10% इन ऑगस्ट सीरीज एंड कोटक और मारुति के अंदर भी एक अच्छी पोजिशन बना के रखी है एंड रिलायंस ऑफ. So, in the brief and in the nutshell, I would say that 15,650 and 700 is a good point to enter in Nifty for the target of 16,100 and 200 and Bank Nifty for the target of 37,000. See, I know that lots of media and lots of Twitter pe posts aapko dikhai denge that lots of big correction is awaited. I am also saying that big correction is awaited. But right now, I will not press the button of the alert at this point of time. जब तक निफ्टी 16,200 के टेरिटरी में नहीं आता, जब तक बैंक निफ्टी 37,000 के टेरिटरी में नहीं आता, आई डोंट थिंक सो देर इज गोइंग टू बी अ बिग करेक्शन. बिकॉज व्हेन एवरीबडी टॉक्स अबाउट बिग करेक्शन दैट मींस देर इज अ ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप इन द मार्केट एंड मार्केट इज नॉट गोइंग टू गिव इजीली सो मच स्पीड टू द शॉर्टर्स हु आर ऑलरेडी बिल्डअप इन द मार्केट. सो येस देर इज अ करेक्शन अवेटिंग इन मार्केट बट नॉट राइट नाउ एंड देर विल बी अ सर्टन पॉइंट एंड अ सर्टन लेवल दैट द करेक्शन इज बीन अवेटिंग इन द मार्केट. And that has a particular scenario. जब वो आएगा मैं आपको अलर्ट दे दूंगा. Thank you for watching this video. Have a nice week and a nice profitable week ahead. Thank you.